नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो आपने देखा होगा और अगर नहीं देखे हैं आप सब लोग तो ज़रूर देख लें। एक फोटो जर्नलिस्ट पर वीडियो दिया हूं जो इंदौर में रहकर तमाम वहां के बड़े अखबारों में फ्रीलांसिंग के तौर पर, जहां तक मुझे जानकारी है, काम करने वाले फोटो जर्नलिस्ट एसके पंडित पर। उनकी हालात बहुत नाजुक हैं। वो दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसे और विस्तार दिया जाए और आपके सामने मैं दूसरी वीडियो पेश कर रहा हूँ। इसमें कुछ नई बातें भी हैं और उन बातों के पुख्ता प्रमाण भी हैं। पुख्ता प्रमाण इसलिए कि मैंने इस वीडियो के लिए उनके समय के काम करने वाले फोटो जर्नलिस्टों की राय भी लिया हूँ। उनके कमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। उनको विभिन्न किस्म की जो यातनाएं हुई हैं और उनकी जो आज हालात है, वो निश्चित रूप से हम सबको चिंतित करती है। खाली फोटो जर्नलिस्ट होने की वजह से ही नहीं, बल्कि इस देश के नागरिक होने की वजह से भी। चाहे हमारा प्रोफेशन कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को इस तरह की अगर आफतें आ जाएँ तो व्यवस्था से लेकर के समाज को भी मदद करनी चाहिए। तो चलिए दिखाता हूँ, सुनाता हूँ मैं एसके पंडित की बातें। दोस्तों, मैं एक ये जानकारी और आपको दे दूँ, उनके साथ के काम करने वाले लोग ये बता रहे हैं कि उनका नाम एसके पंडित तो यहाँ नहीं जानता कोई, लेकिन संजय कश्यप नाम से उनको लोग जानते हैं। बहुत वर्षों से वो इंदौर में नहीं रहते हैं, लोगों को आता पता नहीं था और ये मुझे मौका मिला मैं उन पर वीडियो बनाने का, जिससे उनके अपने शहर के लोग भी जान पाए और देश के विभिन्न इलाकों में रहने वाले हमारे दर्शक ये समझ पाए कि एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आते हैं और उसकी जो किस्मत है कहां से कहां पहुंचा देती है। दिल्ली की फुटपाथों पे गुजारा करते हुए इंदौर के एक फोटोग्राफर नज़र आए। वीडियो में वो अपना नाम एसके पंडित बता रहे हैं, लेकिन हम इंदौर के ज़्यादातर लोग उन्हें संजय कश्यप के नाम से जानते हैं। इंदौर में बड़े लंबे समय तक इन्होंने फंक्शन फोटोग्राफी की है और कभी कभार प्रेस में फ़ोटो देते थे जो छपे भी हैं। जिस हालत में वो दिख रहे हैं वो सचमुच बहुत दुखद है और इस बात से हमें चेत जाना चाहिए कि जब हम अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं तब भविष्य के लिए कुछ ऐसा करके रखें जिससे कभी मुसीबत का ये दौर आए भी तो हमें इन हालातों में न जाना पड़े। संजय जी का ये हाल देखकर सचमुच दुख होता है। ये हाल उनका यही नहीं, इंदौर में रहते हुए भी उनके साथ कुछ बुरी घटनाएँ घटी और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनके बच्चों का अपहरण हो गया, ऐसे इन्होंने यहाँ भी उस समय कुछ रिपोर्ट की थी कि इनकी पत्नी का अपहरण हो गया है। बाद में अचानक इंदौर में दिखाई देना बंद हो गए थे। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे ये कहाँ गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया और अब ये वीडियो सामने आया है। तो निश्चित ही इनकी जो कुछ मदद की जा सकती है वो की जाना चाहिए, इनका इलाज अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मुझे वीडियो देखकर इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है। तो जैसा भी हो, कुछ अच्छे तरीके से यदि इनके साथ व्यवहार हो, कुछ इलाज हो, तो मुझे लगता है कि इनका कल बेहतर हो सकता है। लेकिन अपने सभी फोटोग्राफर साथियों से मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि इन दिनों में जो हालात है, जिस तरीके से संस्थानों से व्यक्ति कम किए जा रहे हैं, नौकरियाँ छीनी जा रही है, उसमें फोटोग्राफर पर तो सबसे पहले ख़तरा मंडराता है। हमारे कुछ और साथियों के साथ भी ये बुरा काम हुआ है। तो हम समय रहते चेत जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करके रखें जिससे भविष्य में कभी मुसीबत का दौर आए भी तो हम उससे आसानी से निपट सकें। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि एक प्रेस फोटोग्राफर इंदौर का दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहा है। ये सही है कि फोटोग्राफर तो है लेकिन प्रेस में नहीं रहा, कहीं किसी संस्थान में काम नहीं किया। यहाँ भी वो काफ़ी दिनों तक भीख मांगता रहा और
उसका आचरण संदिग्ध है। अपना नाम वो एसके पंडित बताता है, लेकिन एसके पंडित ने इसका नाम असली नाम संजय कश्यप है। परिवार से भी इसको बेदखल कर दिया है। कई दिन तक यहाँ भी भीख मांगता रहा, तो वहाँ मांगा मैंने कई ड्रग माफियाओं के लोगों के कई लोगों के फ़ोटो अड्डों के फ़ोटो निकाल निकाल के पेपर में भी दिए। मेरे एडिटर जो थे उन लोग भी कॉपी मुझे कोऑपरेट करते थे। अगर एक जगह ना हो पाता तो दूसरी जगह प्रकाशित हो जाता था। पुलिस विभाग को भी कॉपी देता था मैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। इसी तरह जब 84 के अंदर इंदिरा जी का वो हुआ, उस समय मैंने कलेक्टर अजीत जोगी थे, लोगों ने दुकान जला रहे थे, शराबों की दुकानें लूटपाट सब कुछ हो रही थी। उस समय मैंने फ़ोटो जर्नलिस्ट के उस पर उनके जब फोटोग्राफ्स लिए थे, कलेक्टर जोगी ने बाद में जो थे उन सभी की गिरफ्तारियां करवाई वहाँ पे। सुरजीत सिंह वहाँ पर एसपी थे, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया, मतलब साथ में लेके वो फोटोग्राफरों की टीम को मतलब साथ लेके चलते थे हमेशा। आजकल ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ में वहाँ पे जब भी कोई बड़े फंक्शन होते थे, ये होते थे, तो ये लोग मतलब फोटोग्राफरों को सभी को साथ लेकर जाते थे। वो मैं देखता था कि काफ़ी इज्जत दी जाती थी। और इसी से मैंने वहाँ पर एक बार रात को किसी अड्डे के ऊपर एक होटल था, उसके ऊपर तोड़फोड़ चल रही थी, तो मैंने रात को वहाँ पर गाड़ी देखी, तो गाड़ी जो थी नगर पालिका की गाड़ी थी, इंदौर नगर पालिका की। और उस गाड़ी को मैंने देखने के बाद में देखा मैंने कि ये कार्रवाई तो दिन में होती है, और जब दिन में ये कार्रवाई होती थी इसमें ड्राइवर भी वो नहीं है, लोग भी वो नहीं है। तो मैं वहाँ देखते हुए हाईवे के ऊपर रुक गया हैवी रोड पर, और जब रुक के मैंने वहाँ पर फ़ोटोग्राफी लेना चालू करी, फ़ोटोग्राफ्स लिए, कुछ लोगों को देखा, तो वो नगर पालिका का अमला तो था नहीं, कुछ गुंडों का गैंग था जो तोड़फोड़ कर रहे थे वहाँ पे। सब्बल से लेके हर तरह से मारपीट लूटपाट सब चल रही थी। वो होटल थी माय होम, उसका जब मैंने वो फ़ोटोग्राफ्स लिए और वो फ़ोटोग्राफ्स कुछ पेपरों में भी प्रकाशित हो गए। बाद में मैंने वो जिनका होटल था उनको वो सारे फ़ोटोग्राफ्स बना के और प्रिंट उनको दे दिए। उन्होंने जब वो चीज़ देखी उस समय, उन्होंने बाद में पुलिस वगैरह को दिया, वो लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाद में जो फ़ोटो लीक भी हो जाते हैं कि किसने दिए। जब ये बात सामने आई उन लोगों ने मेरे ऊपर शिकंजा कसना चालू कर दिया। दो बार मेरा एक्सीडेंट किया गया, कई तरह से परेशान किया गया। उस समय मैं प्रेस का था, ठीक है, रिपोर्ट हो जाती थी, अच्छे से कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन उस कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि वो किसी एक नेताजी का था, और वो नेताजी ने बाद में जब मैं सिस्टमेटिक ढंग से वो ऐसी चाल चले कि उन्होंने मुझे हर तरह से हताश और वो करना चालू कर दिया। मेरे सबसे पहले मेरे दोस्तों को तोड़ दिया, फिर ये करा। वो प्रेस थी, बाद में उन्होंने प्रेस भी खोली, जीतू सोनी जी थे लोक स्वामी, उसके लिए भी मैंने फोटोग्राफी करी। उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा वो करा, जो भी खबरें मैं लेके जाता था इस टाइप की वो प्रकाशित करते थे, उसकी सच्चाई देखकर फोटोग्राफ्स देते थे। लेकिन इसी तरह करता हुआ चलता रहा काम। 2004 आया, 2004 के अंदर उन लोगों ने जो था मेरे को मेरे ही बच्चों के उसमें फंसा दिया। उसके बाद ये हुआ कि मुझे काफ़ी परेशान किया गया कई बार, प्रेस से आते में मेरे ऊपर हमले हो जाते थे। मैंने मकान लिया, उस मकान को भी वहाँ पे नोटरी होती थी, उस नोटरी के ऊपर मैंने मकान लिया, उस मकान के ऊपर किसी और का कब्जा करा दिया गया। पुलिस ने उसके अंदर परेशान किया, जब मैंने उस चीज़ को कहते पूरा सबूत दिया, सब कुछ दिया, तो वो वहाँ पे सामने वाले को पकड़ा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे वापस छोड़ दिया गया उन लोगों को, क्योंकि वो लोग पावरफुल थे, पार्टी के एमएलए थे वो, और सांसद थे प्रेमचंद गुड्डू, उनकी पूरी टीम चलती है। जिस तरह विजयवर्गीय जी है, कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, उन दोनों के बीच में भी मतलब मेरा वो हुआ। इधर जो बीजेपी थे उधर वो कांग्रेस के थे, लेकिन दोनों तरफ से मेरे को कोई फायदा ना हुआ और ना सच्चाई को किसी ने वो करा। वहाँ से मेरी कार्रवाई इन लोगों की चालू हुई। मैं काफ़ी समय तो संघर्ष इन लोगों से करता रहा। जीतू सोनी जी ने भी उस समय काफ़ी मतलब इस चीज़ पे ध्यान दिया, पुलिस को आगाह भी किया, लेकिन उस समय तो देख लिया जाता था, लेकिन जब बदली हो जाती थी
फिर वही परेशान। मेरे मकान पे कब्जा कर लिया गया, एक मकान पर जो मैंने बर्फानी धाम के वहाँ लिया था। जब मैं पुलिस को बताने गया तो पुलिस ने ये करा कि वहाँ पर एक विनोद दीक्षित करके थे, दो स्टार थे, चौकी प्रभारी, उन्होंने उठा के मुझे ही बंद कर दिया रात को। बोले कौन है? तो इन्होंने बताया, बोले ये प्रेस वाले हैं, लोकस्वामी के हैं, और बोले नई दुनिया के लिए करते हैं। बोले इसको साले को रात को तो डंडे मारो, सुबह देखेंगे क्या करेंगे। वहाँ पे मैंने उन्होंने रात भर मतलब मुझे बंद करके रखा, पीटा। प्रेस फोटोग्राफर का सुनने के बाद बोले कहीं पे भी कुछ भी फोटो छाप देते हो, ये कर देते हो, मेरी चौकी का इसका छापा। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपकी चौकी का फोटो नहीं छापा है, फोटो जो छापाएगा जो दारू बिकती है उस दारू के अड्डे का फोटो छापाएगा। अब वो अड्डा अगर आपके क्षेत्र में है तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए थी। मेरे पास पूरे सबूत है, पूरे सबूत के बाद मैंने ये दिया है। तो रात को तो वो नशे में थे, उन्होंने कुछ सुनी नहीं। दूसरे दिन मैं लेटरिन करने के उस दिन बाहर निकला वहाँ से, और वहाँ से निकल के फिर मैं प्रेस क्लब पहुँचा किसी तरह। प्रेस पे फ़ोन करा, फिर वहाँ से जलदारी जी ने फ़ोन करके मुझे प्रेस क्लब बुलवाया। जब मैं प्रेस क्लब पहुँचा वहाँ पे मैंने बताया सब। कुछ समय के लिए वो इंस्पेक्टर को वहाँ से हटा दिया गया, डिमोशन किया गया, बाद में वापस वहीं बहाल कर दिया गया। लेकिन मेरा मकान मुझे नहीं मिला वापस आज भी। उन लोगों का जाल कुछ उन्होंने इस तरह से बुन दिया था कि मेरे मतलब जहाँ भी मैं जाता कुछ ना कुछ मेरे लिए खड़ी कर देते थे मुसीबतें। प्रेस से आते समय रात में भी खड़ी करते थे। फिर मैंने इस तरह प्रेस फोटोग्राफी जर्नलिस्ट बंद करा, प्रेस फोटोग्राफी। वो बंद करने के बाद में अपने घर के उसमें भी काफ़ी उन लोगों ने मुझे परेशान करवा दिया था, परिवार के तौर पर भी। जब मैं 2005 के अंदर मैं प्रेस की फोटोग्राफी कम करी मैंने, और बच्चों की तरफ ध्यान दिया, अपने ही बच्चों को अपने ही घर में बंद करवा दिया गया। एक महीने तक मैंने अपने बच्चों को 15 दिन तक खाना किसी तरह, कभी किसी डिक्स वाले की सीढ़ी लगा के देता था, कभी किसी की। उस समय जब मैंने देखा, मैंने किया क्या किया जाए, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा, साथ में मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचाने की भी सवाल था मेरे साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उसने मार दें और घर मेरा है और मेरे ही उस बात का इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये व्यक्ति ने हत्या कर दी। मैंने फिर वो करा, उस समय आईजी अनिल कंवर थे, उनको मैंने जाकर बताया। मैंने सर मेरे साथ कुछ ऐसी परेशानी है कि आप मेरे साथ कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को मेरे साथ भेज दें और मेरे घर का ताला खुलवा के सामान हटवा के वहाँ से मेरे बच्चों को निकाल दें। तो उन्हें मतलब एक आश्चर्य लगा, बोले ऐसा नहीं हो सकता है, आप कहीं रिश्तेदारी में हो गए। मैंने वो सही कह रहा हूँ। बाद में मैंने लिया एक अजीज खान करके थे, एडिटर थे दैनिक दस्तक के, वो उन व्यक्ति के मिले हुए थे। उन्होंने जो था उनसे पैसे लेकर वो वहाँ पे एन मौके पे सारे ही लोग चेंज कर दिए, और पार्टी के जो उनके नेता के कांग्रेस के थे तिलक नगर के लोग, वो मेटाडोरों में भर के आ गए बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और अंदर घुस के उन लोगों ने हवाला शुरू कर दिया। और उस हवाले के अंदर मुझे मैं अकेला पड़ गया, और जो लोग बोलना चाहते थे उन लोगों ने भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऊपर से बालकनी से ऐसे नीचे छोड़ दिया था उन्होंने। मेरे यहाँ पैर टूटे, कमर के हड्डियों में चोट लगी। परिवार से घर के पीछे ही सब कुछ होता है, और इस फोटो जर्नलिस्ट की वजह से मेरे साथ ये सारी घटनाएं हो रही, तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के अलग हट रहूँगा। और मैंने सभी को बताया, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। और आपके वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से पता चला कि संजय कश्यप जी एक्चुअली इनका नाम है पूरा, और ये इंदौर की के रहने वाले ही हैं, और कई दिनों से इंदौर से ये मतलब दिख नहीं रहे थे, और अभी आपके वीडियो के माध्यम से पता चला कि दिल्ली की सड़कों पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि 97-98 के दौरान जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे 12th में, जब उसमें NCC की परेड के 26 जनवरी की जो परेड होती थी उसकी परेड के ये फोटोग्राफ्स क्लिक करने आया करते थे, और उस दौरान कई बार हम इनके घर भी आना जाना हुआ जब 4x6 की फोटोग्राफ्स लेते थे इनसे। और तब तक तो ये काफ़ी दिनों तक से इंदौर की सड़कों पे कहीं फोटोग्राफ्स करते हुए दिखे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ही इनके हालात इस तरीके से हैं। फोटोग्राफर के हालात अगर इस तरीके से होते हैं अच्छा नहीं। वीडियो जो बनाया हूँ आपको कैसा लगा, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, चैनल के बारे में, और इस खास तौर से
इस वीडियो के बारे में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।